आ जा। ओए तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पे तीन बाइक और तीनों बाइक यहाँ पे हीरो का है। और दोस्तों पीछे देख सकते हैं ट्रक जिसका वजन है 118 क्विंटल के करीब में होता है वजन, आपको ट्रक का पता ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं मौज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तीन बाइक से इस ट्रक को खींच कर दिखाएंगे क्या हमारा बाइक सर्वाइव कर पाता है, इस ट्रक को खींच पाता है या तो फिर नहीं खींच पाता। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चढ़ाव है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रक तो जोर लगाए हुई, फिर भी हम अपने बाइक का यहाँ पर टेस्ट ले लेते हैं क्या बाइक इतना मजबूत है कि तीन बाइक मिलकर इस ट्रक को खींच पाता है या तो फिर नहीं खींच पाता है। तो दोस्तों हम अपने नितेश भाई से राय ले लेते हैं उनका क्या राय है, क्योंकि वो भी एक इस ड्राइवर में शामिल हुए हैं। तो बताओ नितेश भाई, क्या आप खींच पाओगे? तो गाइज अभी तक तो ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन कोई भी ट्राई नहीं किया है, तो आज हम इसको ट्राई करके देखते हैं। हमको तो आशा नहीं है कि ये मतलब तीनों बाइक खींच पाएगा या तो फिर नहीं खींच पाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बिना देर के इस वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं हमारा बाइक खींच पाता है या तो फिर नहीं। देखिए यहाँ पर तीनों बाइक स्टार्ट। हमारा ट्रक यहाँ पर हिल चुका है और पूरे जोरों शोरों से बाइक चल रही है। यहाँ पर देखिए आप, एक बाइक है, ओए लड़ा भाग आगे ला दे। ओए यहाँ पर देखिए कितना मौज हो रही है, क्या बात है, क्या बात है। वाह जियो जियो शेर जियो। यहाँ पर देखिए पूरे जोर शोर से हमारे बाइक, ये देखिए चाका का क्या हाल हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा और बिना इसके के पूरा देखते रहिए। आगे जा जा आ जा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमारे बाइक ने इस ट्रक को खींच पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास तीन हीरो का बाइक था और स्प्लेंडर था, एचएफ था और एक स्प्लेंडर था, दोनों यही था। और दोस्तों ट्रक का वजन आपको पता ही है कि 118 क्विंटल प्लस होता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो दोस्तों इतनी खतरनाक तरीके से हमारा बाइक खींच पा रही थी, लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत आई कि यहाँ पर हमारा एक बाइक का क्लच प्लेट जल चुका था जब हम पहले दो बाइक से ट्राई कर रहे थे। तो ये दोस्तों अभी भी इसमें से एक दो बाइक में से स्मॉल आ रही है, मतलब कि जो बदबू है वो आ रही है। अब पता नहीं क्या ख़राब होगा क्या नहीं होगा, वो तो आगे देखेंगे, सर्विसिंग सेंटर में ले जाएंगे तब पता चलेगा। दोस्तों जैसे कि मतलब कि अगर हम दूसरे किसे या तो फिर ट्रैक्टर से खींचते तो जैसे बराबर चलेगी, वैसे तो हमारा बाइक नहीं खींच पा रही थी। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मतलब ले जाना होगा तो लेकर जा सकती है, लेकिन अगर चढ़ाव वगैरह होगा तो वहाँ पर हमारा बाइक नहीं चढ़ा पाएगी, वहाँ पर बाइक का हालत ख़राब हो जाएगी और क्लच प्लेट जल जाएगा। तो दोस्तों हम मेरे पास से जो तीन टीम थे, तो सबसे मैं पूछ लेता हूँ कि आखिर उनको कैसी फीलिंग आ रही थी। तो सबसे पहले नितेश भैया आप बताओ कि आपको कैसी फीलिंग आ रही थी खींचते वक्त? बाइक जब हम लोग चला रहे थे तो बाइक का अगला चक्का जो है उठ रहा था, आप तो गाइज खुद वीडियो में देख ही रहे हैं, अगला चक्का जो है उठ रहा था बिल्कुल, उसके बाद से झटका भी ले रहा था। जब हम लोग मान लीजिए ट्रक ब्रेक लेगा तो झटका ले रहा था, तो ऐसे एक्सीडेंट होने का चांस है। तो आप बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपके साथ खतरा हो सकता है। आप प्रदीप भाई बताओ आपको कैसा फीलिंग आ रही थी? तो अच्छा आ रहा था फीलिंग,
तो आप मतलब मेरे को ये बताओ कि आपका जो बाइक है मतलब इसका चक्का मतलब आपको कैसा लग रहा था? चक्का पूरा उठ जा रहा था, गाड़ी पूरा हीट हो गया था, क्लच प्लेट जल जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना कि इन्होंने भी बताया कि क्लच प्लेट कैसे जल जा रहा है, और यहाँ पर आपको बता दे कि दोस्तों चक्का जो उठ जा रहा था अभी, अब देखते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो फिर नहीं आती, अभी तो गाड़ी सही सलामत चल रहेगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है एक बाइक में का क्लच प्लेट जला है जिसको मैं सर्विसिंग सेंटर में ले जाऊँगा और वहाँ पर उसको सर्विसिंग करवा पाऊँगा। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी कि क्या हमारा तीन बाइक इस ट्रक को खींच पाता है या तो फिर नहीं खींच पाता। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो कीजिए लाइक, अपने दोस्तों में भी कीजिए शेयर, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल वाला आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।